आर्मी चीफ बिपिन रावत पहले चीफ डिफेंस स्टाफ हो सकते हैं। सूत्रों के अनुसार कैबिनेट कमेटी ने रावत के नाम पर मुहर लगा दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 15 अगस्त को घोषणा की थी कि भारत में तीनों सेना के प्रमुख के रूप में CDS होगा। बता दें, बिपिन रावत 31 दिसंबर को सेना से रिटायर हो रहे हैं। अधिकारियों ने बताया कि CDS अन्य सेना प्रमुखों के समान ही होंगे, हालांकि प्रोटोकॉल की सूची में CDS सेना प्रमुखों से ऊपर होंगे। बता दें, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ का पद तीनों सेनाओं के ऊपर होता है। सन 1999 के कारगिल युद्ध के बाद से सुरक्षा विशेषज्ञ इसकी मांग कर रहे थे। कारगिल के बाद तत्कालीन उप प्रधानमंत्री लाल कृष्ण आडवाणी की अध्यक्षता में बने ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स यानी कि GOM ने भी तीनों सेनाओं के बीच बेहतर तालमेल स्थापित करने के लिए CDS की सिफारिश की थी। ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स ने अपनी सिफारिश में कहा था कि अगर कारगिल युद्ध के दौरान ऐसी कोई व्यवस्था होती और तीनों सेनाएं बेहतर तालमेल से युद्ध के मैदान में उतरती तो नुकसान काफी कम होता। इन सब के 20 साल बाद इसे लागू किया गया। इतना ही नहीं, रक्षा मंत्रालय ने चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ 65 साल की अधिकतम आयु सीमा तक सेवा देने के नियमों में संशोधन किया है। अगर तीनों सेनाओं के प्रमुख में से किसी को नियुक्त किया गया तो चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ की अधिकतम आयु 65 साल करने के लिए नियमों में बदलाव किए गए हैं। इतना ही नहीं, बताया जा रहा है कि लंबी सीमाओं, तट रेखाओं और राष्ट्रीय सुरक्षा की चुनौतियों को सीमित संसाधनों से निपटने के लिए भारत के पास एकीकृत रक्षा प्रणाली के लिए चीफ ऑफ डिफेंस पद की बेहद जरूरत है। यूं तो अमेरिका, चीन, यूनाइटेड किंगडम, जापान सहित दुनिया के कई देशों के पास चीफ डिफेंस व्यवस्था है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज ऑफ इंडिया।